राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा शिक्षा सुधार और बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने को लेकर नालंदा में मशाल जुलूस निकाला गया। सोनू कुशवाहा का कहना है कि इस आंदोलन से नीतीश कुमार की झूठी नीति को उजागर करना हमारा मकसद है। नवादा और औरंगाबाद में दो केंद्रीय विद्यालय की सूची दी गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने खोलने नहीं दिया। बिहार की जनता अगर शिक्षित हो तो सभी क्षेत्र में विकास संभव है। नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल बना दिया है। नीतीश कुमार से छात्र के साथ शिक्षक प्रोफेसर सभी लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। युवा को रोजगार मिलना तो दूर की बात है, जिनके पास रोजगार है वह भी बेरोजगार हो रहे हैं। नीतीश कुमार को बिहार की जनता करारा जवाब देने को तैयार है। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है, इसलिए नीतीश सरकार का 2020 के विधानसभा चुनाव में विदाई जरूरी है। पहला आधार बनाए शिक्षा के सुधार को, जब शिक्षा में सुधार हो जाएगी तब आपका बिहार, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में विकास की बात होगी, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, चाहे IAS IPS बनने के क्षेत्र में संख्या की वृद्धि हो जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। नालंदा ब्यूरो की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।